आयुर्वेदिक औषधियों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग होता आया है और हमने आपको विभिन्न जड़ी बूटियों की जानकारी समय समय पर दी। आज एक ऐसी वनस्पति के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसी सेमल की जैसी फली है जिसके संपर्क में आने से भयंकर खुजली होने लगती है और लोग इसको छूने से भी कतराते हैं। जब हम इसके पास गए तो हमने देखा कि वाह, ये तो एक बड़ी ही अच्छी वनौषधि है जिसका नाम कौंच है। यदि वनौषधि आप जैसे देख रहे होंगे कि आम के वृक्ष पर इसकी झाड़ीनुमा लता के रूप में लगी है। यदि इसकी पत्तियों को देखा जाए तो ये इसकी पत्तियाँ इस प्रकार से आकार, इस प्रकार के आकार की है और ये एक लता के स्वरूप में ये पूरे झाड़ियों के रूप में ये लगी हुई है। इसके बेसिकली इसकी फली को देखें, औषधि वात सामक होती है और कफ पित्त वर्धक होती है। म्यूकेनिनिन नामक तत्व इसमें पाए जाने वाला व हिस्टामिन, उसके संपर्क में आते ही हिस्टामिन का संश्लेषण होता है जिसके कारण खुजली होती है। नाड़ी संस्थान पर इसके मुँह, इसके जो बीज होते हैं वो नाड़ी संस्थान के लिए बहुत ही बल्य होते हैं, उत्तम बल्य होते हैं। साथ साथ इसके जो है फलों के जो रोम हैं, बाहर के रोम हैं, ये कृमिघ्न होते हैं, यानी इसको वर्म इन्फेस्टेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसके बीज जो होते हैं वो वृष्य होते हैं, वाजीकरण युगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके जो मूल होते हैं, मूल का प्रयोग आर्तव जनन में, जैसे कि इसको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये योनि संकोचक भी होते हैं, इसका मूल मूत्रल प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। ये बल्य है और ब्रंगण है, हमने जैसा कि बताया कि वात विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। नाड़ी संस्थान की विकृतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मूल और बीज चूर्ण का प्रयोग नाड़ी दौरबल्य में किया जाता है। राउंड वर्म्स में एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के संक्रमण में इसे इसका प्रयोग वर्मिसाइड के रूप में इसके फल रोम को गुड़ के साथ, मधु या मक्खन के साथ मिलाकर देते हैं और विरेचन देते हैं। विरेचन पंचकर्म में एक शोधन की प्रक्रिया है जिससे कृमि मरकर निकल जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसके बीजों का प्रयोग क्षय में और क्लैब्य में नपुंसकता जैसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि इसके इस फली के अंदर स्थित बीज का प्रयोग जो है वो कौंच बीज के रूप में किया जाता है जिसका विभिन्न बाजीकारक योगों में इसका प्रयोग होता है। इसके बीज के चूर्ण का की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है जबकि इसके मूल का क्वाथ 50 से 100 ml तक हम प्रयोग मिला सकते हैं। इसके रोम के चूर्ण का प्रयोग 125 mg तक हम कर सकते हैं। कौंच की इस बीज का या कौंच के एक प्रमुख योग बानरी गुटिका के नाम से आप सब परिचित होंगे। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि कपि कक्षु भृशम वृश्या मधुरा ब्रिंघणी गुरु तिक्ता वात हरि बल्या स्निग्धा पित्त बला स्कृत। और ये बात कही गई है कि तद्विजम वात समनम स्मृतम वाजीकरम परम, यह श्रेष्ठ वाजीकारक औषधि है। और इस प्रकार हमने आपको इस औषधि के बारे में, जिसे लोग यूं ही जिसके संपर्क में और जिसके पास जाने से भी डरते हैं, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी जो भी औषधियाँ जो लोग जिसके बारे में नहीं जानते हैं और जो सोचते हैं कि नहीं ये शायद किसी काम की नहीं है, ये बेकार है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, ये हमें जिससे हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इससे अनूठता उत्पन्न होती है, इससे एलर्जी होती है, ये खुजली करती है, ये बेकार है, ये झाड़ी है, वो सभी औषधियों के रूप में, आयुर्वेद की औषधियों के रूप में उसका प्रयोग होता है, विभिन्न रोगों में प्रयोग होता है। तो पुनः हम किसी नई औषधि के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।